Welcome back to my channel guys. I hope all are you doing great. In today's video मैं आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा समरी फ्रेश मेकअप लुक है। इसको आप ऑफिस के लिए, किसी मीटिंग के लिए या फिर आप जूम कॉल के लिए आप रेडी हो सकते हैं घर में। काफ़ी ईजी टू डू है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन कलर का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ विद SPF। तो ये समर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइमर है। मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने ऑल ओवर फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जहाँ पे मुझे पोर्स का इश्यू है। मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन 24 स्टे सुपर स्टे फाउंडेशन। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको नाइकॉप पे डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाएगा। जो इसकी MRP है अराउंड 700 है। एंड सारे भी जो प्रोडक्ट्स के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, तो आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए। आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। जो ये फाउंडेशन ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी मेबलिन का फाउंडेशन ब्रश है। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं या फिर ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड कर सकते हैं। दिस इज़ अप टू योर चॉइस। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ LA Girl Pro HD कंसीलर। इसको मैं अपने अंडर आई, ओवर माय आईलिड एंड ओवर माय आईब्रो यूज़ करूँगी। जहाँ पे भी आपको डार्कनेस है आपके फुल फेस पे, आप वहाँ पर इसको डॉटेड मोशन पे प्लेस करके एंड थोड़ा सी देर उसको ड्राई होने दीजिए। देन उसको अपने फिंगर से ब्लेंड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके जो भी डार्क पैचेस या फिर आपको एक्ने स्कार्स वगैरह है वो एकदम हाइड हो जाएंगे। वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी पाउडर। एंड जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मेबलिन। नेक्स्ट दिस इज शुगर पैलेट, दिस ट्रायो शुगर पैलेट। इसमें ब्लश शेड एंड ब्रोंजर आर माई फेवरेट, बट हाईलाइटर शेड वो काफ़ी ज़्यादा सिल्वर अंडर टोन में, एंड सिल्वर अंडर टोन में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं हाईलाइटर पर्सनली। आई लव अंडर गोल्ड टोन। ब्रोंजर को मैं ईजीली फर्स्ट अपने जहाँ पे मुझे लगाना है उसको मैं अच्छे से प्लेस करूँगी एंड देन अपने एंगुलर ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने फेस पे। कहीं पे भी आपको हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा वो ऑकवर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता। अगर डे लाइट में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपना ब्लश ब्रोंजर को अच्छे से आपको ब्लेंड करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं ब्लश शेड यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम सेम पैलेट। एंड जो ये पैलेट है ये इन दी शेड डार्क। इसके भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप एक बार जाके चेक जरूर कीजिए वहाँ पे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम सेम पैलेट, बट हाईलाइटर के आप शेड देखें काफ़ी सिल्वर अंडर टोन है, तो फेस पे आई डोंट थिंक कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसलिए आपको जो ब्रोंजर एंड ब्लश है ये सिंगल सेपरेट ही मिल जाएगा। आप सेपरेट लेना चाहते हो सेपरेट ही परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं 24 कैरेट मेबलिन आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैंने ब्राउन शेड लिया है, उसको मैं अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका अच्छे से जो मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे कोम्ब्रे इफेक्टिव क्रिएट करना चाह रही हूँ, जिससे कि काफ़ी अच्छा शेड आपकी आइज पे क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट मैं लाइट गोल्ड शेड है, इसमें सिमरी शेड है, उसको मैं अच्छे से अपने फिंगर की हेल्प से अपने आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ। ब्रश की हेल्प से काफ़ी अच्छा आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो फिंगर से आप अपनी आईलिड पे अप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट ब्रो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड फॉर माई आई लैशेज आई एम यूजिंग मेबलिन पुशअप ड्रामा मस्कारा। दिस इज ओ माई गॉड, काफ़ी ही प्यारा मस्कारा है। अगर आपके थोड़ी बहुत भी आपकी आई लैश मतलब लेंथ है आई लैशेज में, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लेंथनिंग एंड वॉल्यूम भी प्रोवाइड करती है, तो आपको फॉल्सीज की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ माई फाइनल लुक, यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा समरी एंड सटल लुक है जो मैंने ये क्रिएट करा है। इसको आप लाइट पार्टीज़ वगैरह में, डे पार्टी है तो आप उसमें भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी ही प्यारा इफेक्ट देगा, काफ़ी ही प्यारा लगता है ये। आप इस लुक को अपना घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। आप इसको पार्टी वगैरह में भी अच्छे से वियर कर सकते हैं।
आई होप गाइज आपको ये मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को जाके करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी यूट्यूब की जो फैमिली है वो जल्दी से जल्दी और अच्छे से ग्रूम हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।